नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का होगा आयोजन। बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा को मिलेगा जीआई टैग। बीबीए बीसीए और बीएमएस प्रोग्राम की छात्राओं को एआईसीटीई देगी स्कॉलरशिप। अधिक गर्मी को देखते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जानिए आईटीआर फाइल करने के क्या हैं फायदे। टी20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हुए राजस्थान रॉयल्स के कई खिलाड़ी। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दक्षिण पूर्व रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लिए निकाली भर्ती। दक्षिण पूर्व रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के 1200 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जून 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो और संबंधित ट्रेड से ITI सर्टिफिकेट हो। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का होगा आयोजन। बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर होने वाला है। बिहार विमेंस कबड्डी लीग का ये आयोजन 10 से 16 जून तक होने वाले हैं। खेल के दौरान इस लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। सभी टीमों के नाम अलग अलग रखे जाएंगे जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा को मिलेगा GI टैग। बता दें कि बिहार के प्रसिद्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लिट्टी चोखा को GI टैग दिया जा रहा है। BAU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया है कि BAU ने पहले ही कई उत्पादों को GI टैग दिलाया है और अब लिट्टी चोखा को ये मान्यता मिलेगी। उन्होंने बताया कि BAU ने 55 उत्पादों की पहचान की है जिन्हें GI टैग दिलाया जाएगा। लिट्टी चोखा बिहार और यूपी के कुछ जिलों में बहुत ही प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजन है। ये बिहार की खासियत और उसे बढ़ावा देने के लिए GI टैग मिलना जरूरी है। प्रमोटरों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नहीं माना आदेश तो जब्त होगी संपत्ति। जो लोग रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात सामने आई है। इस कार्रवाई के तहत जुर्माना लगाए जाएंगे और डिफॉल्टर की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। साथ ही दोषियों को भी गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। प्रमोटरों की कार्यशाला में बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह द्वारा ये बात कही गई है। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में 41 ऐसे प्रमोटर शामिल थे जिनका 30 सितंबर तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का निबंधन इस साल समाप्त हो जाएगा। इस दौरान प्रमोटरों से आग्रह किया गया कि वे अपनी परियोजनाओं का रेरा में निबंधन कराने के लिए आवेदन करने से ठीक पहले होमवर्क कर लें और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाएं ताकि इसका त्वरित निपटारा किया जा सके। बीबीए बीसीए और बीएमएस प्रोग्राम की छात्राओं को एआईसीटीई देगी स्कॉलरशिप। बीबीए बीसीए और बीएमएस प्रोग्राम को मेधावी छात्राओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई की तरफ से दिए जाएंगे ताकि कमजोर वर्ग की छात्राएं भी आगे बढ़ सके। इस योजना पर सालाना 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आई है। इस योजना का लाभ 2024-25 सत्र की छात्राओं को दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में उन्हें हर साल 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कॉलरशिप का लाभ AICTE से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं को दिया जाएगा। इसके तहत करीब 3,000 से भी अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की समीक्षा करने बक्सर पहुंचे बिहार CEO। बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच हुए सारण हिंसा के बीच चुनाव आयोग अलर्ट हो चुका है। अब बिहार में आखिरी चरण के चुनाव को लेकर मतदान की तैयारी की जा रही है। इसकी समीक्षा के लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी H. श्रीनिवास बक्सर दौरे पर आए हैं। यहाँ वे आखिरी चरण के तहत होने वाले मतदान की समीक्षा करेंगे। साथ ही बक्सर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्र और मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा, स्ट्रांग रूम आदि का रिव्यू करेंगे।
बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे रोहतासगढ़ किला के बारे में। ये किला बिहार के रोहतासगढ़ जिले स्थित एक प्राचीन दुर्ग है जो भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से माना जाता है। ये बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से करीब 55 किलोमीटर और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर दूर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। इतिहासकारों के मुताबिक किले की चार दीवारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से करवाया था ताकि किला दुश्मनों से सुरक्षित रह सके। रोहतासगढ़ का ये किला देखने में काफी भव्य लगता है। यदि आप कहीं घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। सरकारी परियोजनाओं से वैध स्रोत नहीं खरीदने पर सरकार ने दिखाई नाराजगी। सरकार ने सरकारी परियोजनाओं में वैध स्रोत से बालू और अन्य लघु खनिज की खरीद नहीं होने पर नाराजगी जताई है। दरअसल सरकार को ये सूचना मिली थी कि कई कार्य विभाग बगैर ई चालान के सत्यापन के बगैर ही लघु खनिज ले रहे हैं। स्वामित्व का भुगतान कर संवेदकों को विपत्र पारित कर दिया जाता है जिससे खान और भूतत्व विभाग के साथ ही राजस्व को भी क्षति हो रही है। साथ ही विभाग की तरफ से समय समय पर जारी नियमों और निर्देशों का उल्लंघन होने की बात भी सामने आई है। इस रवैये को देखते हुए मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी कार्य विभाग समेत 10 सरकारी विभागों के प्रधान को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए कहा गया है कि वैध स्रोत से प्राप्त बालू या अन्य लघु खनिज का उपयोग सुनिश्चित की जाए। रेलवे की इस पहल से लीची उत्पादकों को लीची का मिल रहा सही मूल्य। मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची की मिठास देश के हर कोने में पहुंच सके इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि अभी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन से लीची दिल्ली और मुंबई भेजी जा रही है। बिहार से लीची भेजने का सिलसिला 15 मई से ही शुरू हो गया था। बीते 12 दिनों में 2318 क्विंटल लीची दिल्ली, मुंबई, पुणे और बैंगलोर के बाजारों में भेजी गई है जिससे रेलवे को 8.46 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। लीची उत्पादक रेलवे के इस पहल के कारण कम लागत में अपना माल दूसरे राज्यों और बड़े शहरों में भेज पा रहे हैं। रेलवे ने ये पहल शुरू की ताकि लीची उत्पादकों को अनेक उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके। रेलवे की ये पहल लीची उत्पादकों के लिए कितनी फायदेमंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जेईई एडवांस्ड में अलग अलग प्रश्नों पर अलग अलग रहे मार्किंग के प्रावधान। इस बार जेईई एडवांस की परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पर अलग अलग मार्किंग की गई है। परीक्षा में कुल 51 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 17-17 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में एक प्रश्न सही होने पर 3 अंक और एक प्रश्न गलत होने पर -1 अंक दिए जाएंगे। वहीं पूछे गए 3 मल्टीपल प्रश्न पर सही जवाब देने पर 4 अंक और गलत जवाब देने पर -2 अंक का प्रावधान है। इस बार परीक्षा में न्यूमेरिकल और इंटीजर टाइप के कुल 6 प्रश्न आए थे जिसमें सही जवाब देने पर 4 अंक दिए जाएंगे। वहीं गलत जवाब पर माइनस मार्किंग नहीं है। मैच द कॉलम में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें सही जवाब देने पर बच्चों को 3 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर -1 अंक का प्रावधान है। पेपर 2 भी 180 अंक के थे। पेपर 2 में भी कुल 51 प्रश्न ही पूछे गए। इस पेपर में भी अलग अलग मार्किंग का प्रावधान था। इल्लीगल 3 सीरीज को लेकर सुर्खियों में बनी नेहा शर्मा ने करवाए बेहद ही खूबसूरत फोटोशूट। अपने इल्लीगल 3 के प्रमोशन पर नेहा शर्मा क्वाड सेट पहनकर पहुंची थी। इस क्वाड सेट में नेहा शर्मा बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि बिहार से संबंध रखने वाली नेहा अपने इस अपकमिंग सीरीज को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। उनके इस सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। नेहा ने अभी हाल में ही अपने फोटोशूट करवाए हैं जिसमें उनकी खूबसूरती और उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखते बन रहा है। उनके इस तस्वीरों को देखकर उनके फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेहा का ये ब्लू कोऑर्ड सेट उन पर बेहद ही फब रहा है। नेहा ने अपनी तस्वीरों में काफी अच्छे पोज भी दिए हैं। तस्वीर में उनका हेयर स्टाइल और उनका न्यूड मेकअप लुक भी देखते बन रहा है। अधिक गर्मी को देखते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। तेज धूप और गर्मी के कारण पशुओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिक गर्मी को देखते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के तहत कहा गया है कि पशुओं को हवादार पशु गृह या छायादार वृक्ष के नीचे रखें जहां सूर्य की रोशनी सीधे ना पड़े। पशु गृह में थोड़ी थोड़ी देर पर पानी का छिड़काव जरूर करें। पशु गृह में पंखे या कूलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिन में कम से कम 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को जरूर दें। संतुलित आहार के साथ उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। पशुओं को खासकर भैंस को दिन में 2-3 बार जरूर नहलाएं।
जाने आईटीआर फाइल करने के फायदे, जो भी टैक्स के दायरे में आते हैं उन सभी को आईटीआर फाइल करना बेहद ही जरूरी है। आईटीआर फाइल करने के भी कई फायदे हैं। कई लोग सोचते हैं कि यदि उनका सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और इन्हें आईटीआर फाइल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको भविष्य में लोन मिलने में आसानी होगी, वीजा में ये काम आ सकते हैं, टैक्स रिफंड क्लेम में ये काम आ सकते हैं, आईटीआर की रसीद एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काम आती है। इसलिए हम सभी को आईटीआर फाइल करना बेहद ही जरूरी है। प्रदेश में आज इन जगहों पर बारिश की है संभावना। मौसम वैज्ञानिक एस के पटेल के मुताबिक तूफान गुजरने के बाद प्रदेश में पछुआ हवा बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसके कारण मौसम में उमस का प्रभाव पहले से कम हो गया है। आज प्रदेश के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में किया दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। इसके अलावा बक्सर, औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में एक या दो स्थानों पर उष्ण लहर की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। अब हर शनिवार और रविवार को इतने बजे खुलेगा श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। अब हर शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे तक श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र खुला रहेगा। वहीं प्रवेश का समय सुबह 9:45 पर शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि विज्ञान से संबंधित जिज्ञासा और रोचक जानकारियां इकट्ठा करने की चाह रखने वाले दर्शक आराम से यहां आकर ज्ञान अर्जित कर सके। आपको बता दें कि विज्ञान केंद्र में समर कैंप का भी आयोजन हुआ है। 20 मई से 6 जून तक शिविर का प्रथम चरण आयोजित हो रहा है। इस कैंप में कक्षा 3 से 12 तक के बच्चों को कई विषयों में वर्कशॉप कराया जा रहा है। मास्टरमाइंड चंदन ने बताया किस तरह सुनियोजित तरीके से हर्ष की ली गई जान। राजधानी पटना में लॉ कॉलेज के छात्र हर्ष की निर्मम रूप से कुछ लोगों ने जान ले दी। हर्ष राजनीति में भी सक्रिय थे और वे खुद छात्र संघ का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनके जान लेने के इस मामले में मास्टरमाइंड चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि हर्ष की जान डांडिया नाइट में हुए विवाद के कारण ली गई है। आपको बता दें कि बीते वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान मिलर हाई स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन हुआ था, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी से कई बच्चे शामिल हुए थे, जहां हॉस्टल के बच्चों और हर्ष राज और उसके बाउंसर के साथ विवाद हुआ था और जमकर मारपीट भी हुई थी। इसी विवाद के कारण सुनियोजित तरीके से हर्ष की जान ली गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस और भी जाँच पड़ताल कर रही है। पवन सिंह के पक्ष में खेसारी लाल यादव कर रहे हैं वोट अपील। बिहार की काराकाट सीट पर आखिरी चरण में चुनाव होने वाले हैं। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। पवन सिंह निर्दलीय यहां से चुनावी मैदान में हैं और अब इनके समर्थन में खेसारी लाल यादव भी उतर चुके हैं। खेसारी लाल यादव जमकर पवन सिंह के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जिससे NDA और इंडिया गठबंधन दोनों के ही उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती मिल रही है। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के पक्ष में कहा है कि पवन सिंह इसलिए जरूरी है कि पवन सिंह आपकी आवाज है, सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि जीतने के बाद संसद में भी पवन सिंह गरजेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 5 साल नहीं बल्कि जब तक धरती रहे तब तक काराकाट का नाम रहे, तो पवन सिंह को राजा की तरह जिताकर सांसद बनाइए। आज बिहार के इन सीटों पर राजनाथ सिंह करेंगे चुनावी जनसभा। बीते दिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने फतुहा, आरा और पटना में अपनी चुनावी जनसभाएं की। पटना साहिब में उन्होंने BJP प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के पक्ष में जनता से वोट अपील की थी। वहीं आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे तक पटना एयरपोर्ट पर आएंगे। बिहार में आज राजनाथ सिंह भी 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। आज राजनाथ सिंह की ये चुनावी जनसभा काराकाट के विक्रमगंज, बक्सर के दिनारा और पटना साहिब के बख्तियारपुर में होने वाली है। इन सभी सीटों पर वे NDA प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा है कि 4 जून को जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी के इस बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर गठबंधन के साथ आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश में 4 जून के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि BJP सफाचट हो जाएगी। नालंदा पहुंचे CM नीतीश ने कही ये बात। नालंदा में 1 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना जोर लगा रहे हैं।
सीएम नीतीश का ये गृह क्षेत्र होने के कारण लोग इसे नीतीश कुमार का गढ़ भी कहते हैं। यहाँ नीतीश कुमार की लगातार चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। बीते दिन भी नीतीश कुमार नालंदा में अस्थावाम और बेनार के सरमेरा में अपने एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के समर्थन में वोट अपील करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम तो सिर्फ आपसे मिलने चले आए हैं ताकि कोई शिकायत ना रहे। हमने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम मोदी पर रोहिणी ने निशाना साधते हुए कहा, जेल से नहीं लगता है डर। इन दिनों पीएम मोदी के बयानों को लेकर विपक्ष काफी हमलावर नजर आ रही है। अब इसी कड़ी में सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है। रोहिणी ने पीएम मोदी द्वारा तेजस्वी यादव को जेल भेजने के बयान पर कहा है कि भेजे जेल, जेल से हम लोग नहीं डरते हैं। तेजस्वी यादव को जेल भेजकर वो खुद पाकिस्तान की बिरयानी खाने जाएंगे। आगे रोहिणी ने कहा कि सारण में जो हमारे साथी की जान ली गई है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, एनडीए के लोग यही करते हैं और नरेंद्र मोदी इसी के लिए प्रधानमंत्री बने। टी20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हुए राजस्थान रॉयल्स के कई खिलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स से युजवेंद्र चहल, आवेश खान और यशस्वी जायसवाल मुंबई से अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया था। इस मैच में उसे सनराइजर्स से हार का सामना करना पड़ा था। न्यूयॉर्क जाने से पहले संजू सैमसन ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इन लोगों से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा समेत और कई अन्य खिलाड़ी न्यूयॉर्क जा चुके हैं। मालूम हो कि 5 जून को टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम शुरुआत में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1968 में दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की थी। आज के दिन वर्ष 1972 में मशहूर रंगकर्मी और भारतीय सिनेमा के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1987 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1954 में मदन कश्यप का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय कवि थे। आज के दिन वर्ष 1865 में रामचंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था, जो पत्रकारिता की दुनिया में एक जाने माने शख्सियत थे। बीते दिन मंगलवार को सोने और चांदी की ये थी कीमत। मंगलवार को चांदी 1700 रुपये प्रति किलो बढ़त हासिल करके पटना सराफा बाजार में 91,200 रुपये प्रति किलो की दर पर आ चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन के व्यापारिक कामकाज में चांदी की कीमत में 3100 रुपये प्रति किलो की बढ़त हुई है। वहीं बढ़त के बाद सोना विठुर 72,400 रुपये और 22 कैरेट 72,250 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर पर आ गया है। आपको बता दें कि शादी विवाह का समय खत्म हो चुका है, तो ग्राहक की मांग पहले से कम हो चुकी है। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बंद होने वाले इस दावे के बारे में। सोशल मीडिया पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर कुछ खबर वायरल हो रही है। इस दावे के तहत कहा जा रहा है कि पुनर्विकास योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों को यहां के आसपास के स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। ऐसा कोई भी निर्णय रेलवे मंत्रालय द्वारा नहीं लिया गया है, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर किया है, जहां से पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे नए पदों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? ऑप्शन ए है अरिजीत सिंह, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है रजनीकांत, ऑप्शन डी है शाहरुख खान। इसका सही उत्तर है रजनीकांत। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपए सेवा लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है मालदीव। हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है भारत। बिहार का राज्य चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बोधि वृक्ष, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है मछली। इसका सही उत्तर है बोधि वृक्ष। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 8वां, ऑप्शन डी है 13वां। इसका सही उत्तर है 12वां।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बलराम मंडल, मिथुन कुमार, उमेश ऋषिदेव, अंशुका कुशवाहा, भरत प्रसाद, संजीव कुमार, राजीव कुमार, राकेश मिश्रा, पवन सिंह, मंटू कुमार, नवल किशोर झा, गुनर शर्मा, कृष्णा प्रसाद, अनवर करीम खान, अतीक खान, संतोष कुमार, सुमन निराला कुमार, गणेश कुमार, राजू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार में आपका कौन सा पसंदीदा व्यंजन है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।